हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चाहते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट दहे मैथमेटिक्स मिनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो चलो देखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो हमारा आर्टिकल है अंडर द चैप्टर स्ट्रेट लाइन, उसको हम स्टडी कर रहे थे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पूरा आर्टिकल आपको ट्वेल्थ बोर्ड में है, ऐसा मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। तो उसमें से जो प्रॉब्लम्स है, कॉन्सेप्ट तो हमारे कुछ हो चुके थे, उन पे बेस्ट जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को हम वन बाय वन करके स्टडी कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम कंबाइंड इक्वेशन पे बेस्ट जो प्रॉब्लम्स है उनको स्टडी करेंगे। वैसे कंबाइंड इक्वेशन या फिर जॉइंट इक्वेशन क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है। तो ये जो कंबाइंड इक्वेशंस हमें फाइंड करने को कहा जाता है, इसके लिए हमें दो लाइंस जरूरी होती है। जैसे u इज इक्वल टू जीरो एंड v इज इक्वल टू जीरो, ऐसे हमारे पास दो लाइंस है तो हम उसका कंबाइंड इक्वेशन या फिर जॉइंट इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और उसका फॉर्मूला है u इंटू v इज इक्वल टू जीरो। अगर आपको दो लाइंस नहीं दी गई है तो फिर आपको पहले दो लाइंस फाइंड करनी पड़ेगी फ्रॉम द क्वेश्चंस एंड द डाटा गिवन इन द क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन में कुछ तो डाटा दिया होगा, उस क्वेश्चन से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लाइंस को फाइंड करना पड़ेगा। जैसे आपके पास लाइंस आ गई तो फिर आप आसानी से जॉइंट इक्वेशन को फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो, यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, इस तरह के क्वेश्चन है। तो बाकी के क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर लोगे, तो आपके पास ट्वेल्थ के न्यू सिलेबस के टेक्स्ट बुक होने जरूरी है। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने यहाँ पे ले रहा हूँ और बाकी के जो प्रॉब्लम्स है उनको आपको सॉल्व करना है फॉर योर प्रैक्टिस ओनली। तो चलो देखो, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2, 3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आपको क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन यानी कि जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है, जिसके लिए दो लाइंस जरूरी है। तो लाइंस कैसे होनी, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2, 3 से जाने वाली दो लाइंस फाइंड करनी है, और क्या, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अच्छे से देखो, यहाँ पे सिंपल है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस तरह से अगर आपने क्या लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ये आपका एक्स एक्सिस है ओरिजिन, ये आपका क्या है वाई एक्सिस। तो यहाँ 1, 2, 1, 2, 3, यहाँ कुछ तो एक पॉइंट होगा जिसे हम क्या बोलेंगे 2, 3। तो आपको क्या करना है, ऐसे दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है जो 2, 3 से पास होती हो। जरूरी है कि वो 2, 3 से पास होनी चाहिए, और क्या जरूरी है, और यहाँ से पास होने वाली मतलब इस पॉइंट से जाने वाली हम कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना है कि एक पॉइंट से पास होने वाली हम कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसी लाइंस चाहिए जो 2, 3 से पास हो, और क्या हो, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल हो। कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल मतलब क्या, कि एक्स एक्सिस को पैरेलल एंड वाई एक्सिस को पैरेलल। तो चलो देखो, तो यहां से पास होने वाली एंड एक्स एक्सिस को पैरेलल हमें क्या मिलेगी, ऐसी लाइन मिलेगी। एंड तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा, 0, 3 होगा। एंड यहाँ से पास होने वाली एंड वाई एक्सिस को पैरेलल हमें ऐसी लाइन मिलेगी, और ये पॉइंट क्या होगा, 2, 0 होगा। क्योंकि आपको अच्छे से पता है पॉइंट 2, 3 है, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस किया तो ये डिस्टेंस 2 होगा, और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस क्या होगा, 3। ये आपको अच्छे से पता है। सो 2, 3 से पास होने वाली एंड वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन कौन सी आ गई है, ये यहाँ से पास होगी, मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या होगी, 2। देखो अच्छे से, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए, एंड लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई इज इक्वल टू बी, ये हमने स्टडी किया है। तो इसका यूज हम यहां पे करेंगे, देयरफॉर अ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो 2, 3 से पास होती है एंड y एक्सिस को पैरेलल है, इसका इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए, मतलब क्या आएगा, इज x इज इक्वल टू 2, दैट इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एंड अ लाइन पासिंग थ्रू, आपके पास दूसरी लाइन है, पासिंग थ्रू कहाँ से पास होती हो, 2, 3 से, एंड पैरेलल टू x एक्सिस, यहां से पास हो और एक्स एक्सिस को पैरेलल हो, उसका इक्वेशन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू बी, द इज वाई इज इक्वल टू बी, मतलब क्या है, 3, दैट इज वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
तो चलो देखो 2-3 से पास होने वाली एन क्वाड्रेंट एक्सिस को पैरेलल हमें दो लाइंस मिल गई। जैसे ही हमें दो लाइंस मिलेगी हम उसका जॉइंट इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर द जॉइंट इक्वेशन इज u into v is equal to 0। फर्स्ट लाइन क्या है आपकी x माइनस 2, सेकेंड लाइन क्या है आपकी y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन करेंगे x इंटू वाई एक्स वाई माइनस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y माइनस 2 माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स या फिर दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसे आप क्या करोगे आंसर को लिखोगे। तो इस तरह से आपका सिंपली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो सॉल्व हो गया। तो जहां पे आपको लाइंस नहीं दी गई वहां पे आपको जरूरी है पहले लाइंस फाइंड करो फिर जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो देखो सेकंड क्वेश्चंस को हम यहां पे सॉल्व करेंगे। क्या है सेकंड क्वेश्चंस? क्वेश्चन जितना आप विजुअलाइज करोगे, जितना अच्छा समझोगे, कॉन्सेप्ट जितने क्लियर्ड है उतने ही आसानी से आप किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। तो चलो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका। फाइंड कंबाइंड इक्वेशन पासिंग थ्रू 2-3। फिर से लाइन देखो कहां से पास हो रही है 2-3 से, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो सिंपल है। तो अब देखो यहां से हमें क्या करना है, पहले लाइंस फाइंड करनी होगी। कैसे लाइंस फाइंड करनी है? ऐसी लाइंस फाइंड करनी है जो 2-3 से पास हो और इस लाइन को परपेंडिकुलर हो। तो चलो देखो जैसे ही परपेंडिकुलर की कॉन्सेप्ट आ गई, आपको पता है दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है माइनस वन, या फिर स्लोप ऑफ वन लाइन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अदर। दैट इज देखो फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या है m1, सेकेंड लाइन का स्लोप क्या है m2। अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये वैल्यू क्या आती है माइनस वन। देयरफॉर m2 दैट इज स्लोप ऑफ अदर लाइन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन m1 दैट इज स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल टू निगेटिव रिसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ अदर लाइन। ये कंडीशन भी आपको याद रखनी जरूरी है कि अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन्स का क्या होता है निगेटिव रिसिप्रोकल। तो सबसे पहले आपको लाइन फाइंड करनी है 2-3 से पास होती हो और इस लाइन को परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप फाइंड करो, अपने लाइन का स्लोप इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, पॉइंट है स्लोप पॉइंट से लाइन मिलेगी। सिमिलरली दूसरी लाइन फाइंड करो जो इसे परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप फाइंड करो, अपने लाइन का स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, सो स्लोप मिलेगा पॉइंट मिलेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म से दूसरी लाइन मिलेगी, दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलो सिंपली वैसे ही जाएंगे। तो चलो बोलो क्या है, वी हैव क्या है, चलो हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यह हमारे पास क्या है लाइन। देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू क्या आएगा, स्लोप निगेटिव। आप अच्छे से देखो, अभी भी कुछ बच्चों को स्लोप फाइंड करना नहीं आता है। क्या है स्लोप का फॉर्मूला, माइनस एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 3 अपॉन वाई कोऑर्डिनेट मतलब 2, ये आ गया इस लाइन का स्लोप। अब हमें जो लाइन फाइंड करनी है वो इस लाइन को क्या है परपेंडिकुलर। तो चलो देखो देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू, इसे हम इक्वेशन वन बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू इक्वेशन वन या फिर लाइन वन। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो लाइन हमें फाइंड करनी है उसका स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू निगेटिव रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या, जो है उसका रिवर्स करना है, दैट इज माइनस 2/3 निगेटिव रेसिप्रोकल। अच्छे से देखो, अगर इसका स्लोप -3/2 है तो इसे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, इसके निगेटिव रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर करना है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर करना है, सो माइनस माइनस प्लस होगा, सो आपको क्या मिलेगा 2/3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, अब हमें वो लाइन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू, कहाँ से पास होती है, पासिंग थ्रू जो हमारी लाइन है वो 2-3 से पास होती है, 2-3 एंड स्लोप क्या है 2/3, तो पॉइंट है स्लोप है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे। क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन दैट इज 3 इज इक्वल टू m मतलब क्या 2/3 इंटू x माइनस x1 दैट इज 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
थ्री वाई माइनस थ्री इंटू थ्री नाइन इज इक्वल टू टू एक्स, टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, ये सब वो आ जाएगा। सो टू एक्स ये आ जाएगा माइनस थ्री वाई, ये आ जाएगा प्लस, प्लस नाइन माइनस फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। इसे हम क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, वो फर्स्ट लाइन है जो हमें फाइंड करनी थी। आगे देखो, चलो अब सेकेंड लाइन हमें दी गई है, क्या है, एज गिवन लाइन, एज गिवन लाइन क्या है, x माइनस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट दैट इज वन अपॉन y कोऑर्डिनेट माइनस थ्री, मतलब वन बाई थ्री। तो इसको परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है, देयरफॉर स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन, चलो कंबाइन कर लिया मैंने, लाइन भी फाइंड करनी है एंड परपेंडिकुलर भी है, तो उसका स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू क्या है स्लोप इसका। अब हमारी जो लाइन है वो इसे परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप 1 बाई थ्री है, तो हमारे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, निगेटिव रिसिप्रोकल, दैट इज माइनस, इसके उल्टा करना है तो क्या आएगा, 3 अपॉन 1 दैट इज 3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास होती है आपको पता है, पासिंग थ्रू 2 3 एंड स्लोप माइनस थ्री, क्या है, वाई माइनस वाई वन दैट इज थ्री इज इक्वल टू एम, क्या है, माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या है टू, चलो मल्टीप्लाई किया, वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स, सभी आएंगे, सो थ्री एक्स प्लस वाई माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो चलो ये आपका क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन, इसे हम क्या बोलेंगे, हैश बोलेंगे। तो चलो देखो सिंपल है, अब हमें सबसे पहले क्या करना था, लाइंस को फाइंड करना था, वैसे हमने लाइंस को क्या किया, फाइंड कर लिया। तो जैसे ही हमने लाइंस को फाइंड कर लिया तो अब हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना कोई बड़ी बात है नहीं, देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज, कंबाइंड इक्वेशन इज क्या है, फर्स्ट लाइन टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव इंटू सेकेंड लाइन थ्री एक्स प्लस वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो क्या करेंगे, 2x into 3x that is 6x square plus 2x plus plus 2x plus y that is plus 2xy minus 9 into 2x that is 18x। अब या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस 3 into 3 9 x into y xy minus plus minus 3 into 1 3 y into y y square माइनस माइनस प्लस नाइन इंटू थ्री 27 इंटू वाई, अब प्लस फाइव से, सो प्लस फाइव, फाइव इंटू थ्री 15x प्लस फाइव वाई माइनस 45 इज इक्वल टू जीरो। तो अरेंज करने के बाद कैसे लिखना है आपको अच्छे से पता है, पहले एक्स स्क्वेयर, तो आ गया 6x स्क्वेयर, फिर एक्स वाई, टू एक्स वाई माइनस 9xy दैट इज माइनस 7xy, फिर वाई स्क्वेयर माइनस थ्री वाई स्क्वेयर, फिर x माइनस 18x प्लस 15x, माइनस 18x प्लस 15x दैट इज माइनस 3x, फिर y प्लस 27y प्लस 5y मतलब प्लस 32y एंड लास्ट में कॉन्स्टेंट दैट इज माइनस 45 इज इक्वल टू जीरो। दिस इज रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन, या फिर दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन, लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है, दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन्स, जो हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो चलो देखो सिंपल है, पहले हमें क्या करना पड़ा, लाइंस को फाइंड करना पड़ा, जैसे ही हमने लाइंस को फाइंड किया तो हम उसका जॉइंट इक्वेशन भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे लाइंस को फाइंड करने की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए कुछ तो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई थी। तो चलो देखो अब थर्ड क्वेश्चंस को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, क्या है थर्ड क्वेश्चंस, चलो देखो सिंपल है, क्या है थर्ड क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पासिंग थ्रू माइनस वन टू, वन इज पैरेलल टू दिस एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू दिस। अब देखो क्वेश्चन क्रिटिकल हो रहा है, कैसे क्रिटिकल हो रहा है, हमें ऐसे लाइन पास फाइंड करनी है पहले कि जो माइनस वन टू से पास हो, सो माइनस वन टू ए पॉइंट से पास होने वाले हमें इंफाइनाइटली मेनी लाइन्स मिलेंगी, तो फिर हमें ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो इस लाइन को पैरेलल हो। तो चलो देखो पैरेलल है मतलब क्या, दो लाइंस का स्लोप क्या होगा, सो इस लाइन का स्लोप फाइंड करो,
तो हमारे पैरेलल लाइन का स्लोप भी यही होगा, पॉइंट ए स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करो आपको लाइन मिलेगी। सेकेंडली अदर इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो इसका स्लोप फाइंड करो। हमारी लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है तो फिर हमारे लाइन का स्लोप इसके क्या होगा, निगेटिव रेसिप्रोकल। तो जैसे हमारे दो लाइंस का स्लोप हमें मिलेगा, हमारे पास पॉइंट है, स्लोप पॉइंट से हम लाइन फाइंड करेंगे। जैसे हमें लाइन मिल गई हम क्या करेंगे, जॉइंट इक्वेशन यानी कि कंबाइंड इक्वेशन को फाइंड करेंगे। सिंपल सी बात है। तो चलो देखो हमें क्या करना है, एज वी हैव, हमारे पास लाइन होनी चाहिए। क्या है लाइन, वी हैव एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देयर फोर स्लोप क्या है इस लाइन का स्लोप, चलो देखो अच्छे से, माइनस एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि वन अपॉन वाई कोऑर्डिनेट यानी कि थ्री। देखो स्लोप मिल गया। एज रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू, इस इक्वेशन बोलेंगे पैरेलल टू लाइन इक्वेशन वन। इस लाइन को हमारी लाइन क्या है, पैरेलल। जैसे ही हमारी लाइन इस लाइन को पैरेलल हो गई स्लोप क्या होगा, सेम। देयरफोर यम इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, देयरफोर इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन जो हमें फाइंड करनी है, दैट इज रिक्वायर्ड लाइन कहां से पास होती है, वो पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है आपको, क्या है पॉइंट माइनस वन टू, हैविंग स्लोप, स्लोप क्या है उसका, हैविंग स्लोप माइनस वन बाई थ्री, स्लोप है पॉइंट है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे। y माइनस वाई वन दैट इज टू इज इक्वल टू, स्लोप क्या है माइनस वन बाई थ्री इन टू एक्स माइनस एक्स वन दैट इज माइनस वन, माइनस माइनस क्या होगा प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो थ्री वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन टू एक्स माइनस एक्स माइनस वन इन टू प्लस वन माइनस वन, ये सब यह आएगा। सो x प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स ये आएगा प्लस होगा, माइनस सिक्स प्लस वन दैट इज माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इसे हम क्या बोलेंगे स्टार। तो हमें फर्स्ट लाइन यहाँ पे मिल गई, अब क्या करना है, सेकेंड लाइन को फाइंड करना है। तो चलो देखो, नाउ सेकेंड लाइन इज, या फिर हम क्या बोलेंगे, गिवन दैट क्या दिया है सेकेंड लाइन, चलो देखो 2x माइनस थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देयरफोर इस नए लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन वाई कोऑर्डिनेट माइनस थ्री, तो फिर क्या मिला 2 बाई थ्री मिला। तो सेकेंड लाइन का स्लोप मिला 2 बाई थ्री, हमें क्या करना है, इसे परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है। देयरफोर रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन टू बोलेंगे, गिवन लाइन टू, देयरफोर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जिस लाइन हमें फाइंड करनी है उसका स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो इसके स्लोप के निगेटिव रेसिप्रोकल रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा। सो निगेटिव रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करो, सो क्या मिलेगा 3/2। देयरफोर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, लाइन है हमारे पास पासिंग का से होती है पासिंग थ्रू माइनस वन टू विथ स्लोप, स्लोप क्या है उसका, स्लोप माइनस थ्री बाई टू, तो स्लोप है पॉइंट है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे। क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म, वाई माइनस वाई वन यानी कि टू इज इक्वल टू यम, यम मतलब स्लोप माइनस थ्री बाई टू इन टू एक्स माइनस एक्स वन मतलब क्या, माइनस वन मतलब प्लस वन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो टू वाई इन टू माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स माइनस इन टू वन माइनस थ्री, अच्छे से मल्टीप्लीकेशन आपको अच्छे से करना होगा। सो सब यहाँ पे आएंगे, ये होगा प्लस थ्री एक्स माइनस टू वाई, ये वहाँ पे आ गया, ये प्लस टू वाई सॉरी, ये वह आ गया प्लस, ये वह आएगा माइनस फोर प्लस थ्री यानी कि माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी सेकेंड लाइन होगी यानी कि हैश। सो फर्स्ट लाइन आपको मिल गई, सेकेंड लाइन आपको मिल गई, तो आप आसानी से उसका जॉइंट इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। क्या है जॉइंट इक्वेशन, देयरफोर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस क्या आएगा, फर्स्ट लाइन क्या है आपकी, चलो x प्लस थ्री वाई माइनस फाइव, सेकेंड लाइन क्या है थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब आपको सीधा क्या करना है, सिर्फ यहाँ से आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपरली करना है। सो x इंटू थ्री एक्स थ्री एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू टू वाई प्लस टू एक्स वाई माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, थ्री वाई इंटू थ्री एक्स प्लस थ्री इंटू थ्री नाइन एक्स वाई,
3y × 2y, 3 × 2, 6y² 3y × −1 − 3y −5 × 3 − 15x −5 × 2 − 10y −5 × 1 − +5 = 0। सो लास्ट में अरेंज कैसे करना है, पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई, फिर वाई स्क्वायर, फिर एक्स, फिर वाई एंड फिर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे आएगा 3x² 2xy +9xy यानी कि +11xy +6y² −x −15x −16x −3y −10y −13y +5 = 0। दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स। तो चलो देखो फिर से समराइज कर देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा आर्टिकल है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लाइन दी गई है तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो, आपको ज्वाइंट इक्वेशन मिलेगा। अगर आपको लाइन नहीं दी गई तो सबसे पहले आपको लाइंस को फाइंड करना पड़ेगा। लाइंस को फाइंड करने के लिए कुछ तो कंडीशन प्रॉब्लम में आपको डेफिनेटली दी गई होगी, तो जैसे आप वहाँ से लाइंस को पहले फाइंड करोगे और उसके बाद ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करोगे तो इस टाइप में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट कंडीशन, अगर लाइन को पैरेलल लाइन है तो स्लोप सेम होगा, और अगर लाइन को परपेंडिकुलर लाइन है तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव रेसिप्रोकल। बस इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखो, स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज़ करो या फिर पैरेलल एक्सिस की कंडीशंस को यूज़ करो, आप आसानी से लाइंस फाइंड कर लोगे। जैसे ही लाइंस फाइंड करोगे जॉइंट इक्वेशन तो फिर आप चुटकी बजाते ही सॉल्व करोगे। तो चलो देखो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर अब तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो देखो यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे कुछ और प्रॉब्लम्स है जिसकी थ्योरी हमने ऑलरेडी डिस्कस की है और उसके शॉर्टकट के बारे में भी हमने स्टडी किया है। तो बोर्ड के लिए इन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है ये एक्चुअली हमें यहाँ पे सीखना है, क्योंकि ये चैप्टर आपके 12th बोर्ड के लिए भी है। तो शॉर्टकट मैंने पहले भी आपको थ्योरी बता के आपको शॉर्टकट बताया है इन दोनों टाइप्स के प्रॉब्लम के लिए, तो आप कॉम्पिटिटिव में शॉर्टकट से इजीली जा सकते हो। लेकिन बोर्ड के लिए आप शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, इसके लिए हम यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। तो चलो देखो प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो आपको क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है किसका, लाइंस का जो ओरिजिन से पास होती है। तो पॉइंट आपको दिया है 0 0 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये चलो इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए है, तो प्रायर तौर पे मैं सेकेंड एंड फिफ्थ नंबर का जो एग्जांपल है उसे सॉल्व करके दूंगा, बाकी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। शॉर्टकट से भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, शॉर्टकट समझने की कोशिश करो। तो चलो देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट किया है ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। मतलब इस लाइन में कितने लाइन्स है, दो लाइन्स है जो ओरिजिन से पास होती है। मतलब दो लाइन्स है तो दो स्लोप होंगे, तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से दो स्लोप फाइंड करने पड़ेंगे एंड ओरिजिन तो आपको पता है। तो जैसे आप यहाँ से दो स्लोप फाइंड करोगे, ये जो दो लाइन्स है वो रिक्वायर्ड लाइन्स को क्या है, परपेंडिकुलर। तो जैसे दो स्लोप फाइंड करोगे उनका निगेटिव रेसिप्रोकल ले लो तो आपको नए दो लाइन्स के स्लोप मिलेंगे। पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो, दो लाइन्स मिलेंगे, फिर उसका ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करो। ओके ना, ये आपके पास वन मेथड है, लेकिन हम कुछ अलग मेथड से जाएंगे। कॉन्सेप्ट को समझो, जैसे मैंने शॉर्टकट आपको बताया था उसी का यूज़ हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करेंगे, यूज़ करेंगे। मैं शॉर्टकट यूज़ नहीं करूँगा, मेथड को यूज़ करूँगा। अच्छे से देखो, वी हैव, चलो देखो सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम है, वी हैव पेयर ऑफ लाइन्स। चलो देखो क्या है आपके पास पेयर ऑफ लाइन्स, 5x² −8xy +3y² = 0। कंपेयर विथ, सबसे पहले कंपेयर करेंगे, किसे कंपेयर करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन से, ax² +2hxy +by² = 0। देयर फॉर x² सो a की वैल्यू क्या आएगी 5, xy सो 2h की वैल्यू क्या आएगी -8, y² सो b की वैल्यू क्या आएगी 3।
तो आपको पता है ये होमोजेनस इक्वेशन है, मतलब इसमें दो लाइन से जो ओरिजिन से पास होती है, तो फिर दो लाइन से तो दो स्लोप होंगे, सम ऑफ स्लोप क्या है फॉर्मूला, माइनस टू एच अपॉन बी, मतलब माइनस ऑफ माइनस एट अपॉन थ्री, अच्छे से देखो, फिर क्या मिलेगा 8/3 एंड m1 into m2 इज इक्वल टू क्या है a by b, ऐसा मिलेगा आपको, a क्या है आपका 5/3, तो आपको m1 into m2 मिल गई। कॉन्सेप्ट को देखो अच्छे से समझो इसे, इसमें दो लाइन्स है जो ओरिजिन से पास होती है, अब हमें क्या करना है, ऐसे दो लाइन्स फाइंड करनी है जो ओरिजिन से पास होती हो और इन दो लाइन्स को परपेंडिकुलर हो। तो इसमें जो लाइन है इसका स्लोप अगर हमने m1 लिया तो उसे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, निगेटिव ऑफ रिसिप्रोकल। अच्छे से देखो, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप में रिलेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ वन इज निगेटिव रिसिप्रोकल ऑफ अदर। तो ये इस यहाँ जो दो लाइन्स है उनके स्लोप क्या है, m1 एंड m2, तो इसे परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप क्या होंगे, उसके निगेटिव रिसिप्रोकल, मतलब -1/m1 एंड -1/m2। तो चलो देखो इसे हम क्या बोलेंगे, चलो स्टार बोलेंगे, देयरफॉर स्लोप्स ऑफ लाइन्स गिवन बाय स्टार इज m1 एंड m2, इसलिए तो हमने ये सब लिया है। तो अब इन लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप हमें फाइंड करने, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू लाइंस गिवन बाय स्टार, गिवन बाय स्टार, स्टार में जो दो लाइंस है उनके स्लोप तो m1 एंड m2 है, अब हमें क्या करना है, ऐसे दो लाइंस के स्लोप फाइंड करने हैं जो स्टार के जो दो लाइन्स है उसे परपेंडिकुलर हो, मतलब m1 m2 जो स्लोप है उन्हें परपेंडिकुलर हो, तो क्या आएंगे, इज -1/m1 एंड -1/m2। तो ये दो लाइन्स है जो स्टार में दी गए, मतलब इस इक्वेशन में जो दो लाइन्स है उन्हें परपेंडिकुलर है, तो फिर उनके स्लोप क्या है, -1/m1 -1/m2 एंड ये कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो ओरिजिन से पास होती है एंड स्लोप क्या है, -1/m1 एंड -1/m2। आपको अच्छे से पता है जैसे कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होती है उसका इक्वेशन क्या होता है, y=mx, उसका क्या होता है इक्वेशन, तो स्लोप है ओरिजिन से पास होती है तो हम लाइन्स को फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर लाइन्स आर क्या होंगे, लाइन्स y=-1/m1x एंड y=-1/m2x, देयरफॉर m1y = -x एंड m2y = -x, देयरफॉर x+m1y = 0 एंड x+m2y = 0, ऐसे क्या मिलेंगे, दो लाइन्स मिलेंगी जो स्टार में जो दो लाइन्स है उन्हें परपेंडिकुलर होगी। तो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज क्या आएगा, x+m1y, क्योंकि हमें उनका क्या फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन, इनटू x+m2y = 0, देयरफॉर x into x x square plus x into m2y m2xy plus m1y into x, मतलब m1xy plus m1 into m2 y square is equal to 0। सो चलो देखो क्या आएगा, x square plus m1 plus m2 into xy plus m1 into m2 y square is equal to 0। तो चलो वैल्यू पुट करेंगे, हमें पता है m1 plus m2 क्या है 8/3, m1 into m2 क्या है 5/3, वैल्यू पुट करेंगे, सो x square plus m1 plus m2 क्या है 8/3 into xy plus m1 into m2 क्या है 5/3 into y square is equal to 0, थ्रू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3x square plus 8xy plus 5y square is equal to 0, दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू गिवन पेयर ऑफ लाइन्स। तो चलो देखो शॉर्टकट को वेरीफाई करो, यहाँ से शॉर्टकट अप्लाई होता है या नहीं। हमने आपको बताया था कि अगर ये दो लाइन्स है जिसका जॉइंट इक्वेशन आपको दिया है तो इसे परपेंडिकुलर लाइंस का जॉइंट इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, ए एंड बी जो है इन्हें शिफ्ट करो, मतलब 3 यहाँ आएगा 5 यहाँ आएगा,
तो चलो देखो 3 आ गया, 3x² आ गया, 5y² आ गया, और इसका साइन चेंज करना होता है, ये प्लस था ये क्या आ गया, ये माइनस था तो ये क्या आ गया प्लस। तो देखो सिंपली हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, तो शॉर्टकट यहाँ वेरीफाई होता है। तो आपको अगर शॉर्टकट पता है तो हार्डली आपको 2 सेकेंड्स लगेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से करो, शॉर्टकट को अच्छे से याद रखो। और बोर्ड के लिए कैसे सॉल्व करना है, ये आ गई आपकी प्रोसेस, बोर्ड के लिए 3 मार्क्स को एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो देखो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो 5th नंबर का प्रॉब्लम हम इसी तरह से लेंगे। चलो देखो क्या है 5th नंबर का प्रॉब्लम। वी हैव अ पेयर ऑफ लाइंस 3x² माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। तो इसे अब जो हम मेथड से गए, इस मेथड से जाना थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए हम थोड़े से अलग मेथड से जाएंगे। तो यहाँ से मैंने x को कॉमन लिया, तो आपको क्या मिलेगा, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है y एक्सिस है। सो ये y एक्सिस है, तो देखो अच्छे से यहाँ से, तो ये जो लाइन है आपकी ये क्या हो गई, x इज इक्वल टू 0, तो ओरिजिन से पास होने वाली और x इज इक्वल 0 को परपेंडिकुलर क्या आएगी, y इज इक्वल टू 0 आएगी। क्या आएगी, y इज इक्वल टू 0 इज y इज इक्वल टू 0। ये आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो। एंड देखो यहाँ पे 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, देयर फोर स्लोप इज इक्वल टू क्या आएगा, -3/-4 मतलब 3/4, देयर फोर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन तो आ गई 3/4, तो स्लोप ऑफ इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन क्या आएगी, स्लोप -4/3। क्या करना होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल अच्छे से देखो, इस लाइन का स्लोप आ गया 3/4, इसे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब -4/3 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास भी होती है, देयरफॉर y इज इक्वल टू mx, दैट इज y इज इक्वल टू -4/3x, देयरफॉर 3y इज इक्वल टू -4x, देयरफॉर 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो एक लाइन यहाँ पे आ गई 1, ये लाइन यहाँ पे आ गई 2, दो लाइन्स हमें मिल गई जो इन दो लाइन्स को क्या है, परपेंडिकुलर। तो जॉइंट इक्वेशन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्या आएगा, देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन इज, क्या है जॉइंट इक्वेशन, y इंटू 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या आएगा, 4xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका जॉइंट इक्वेशन। फिर से आप शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम देखो क्या था, अच्छे से देखो, 3x² माइनस 4xy प्लस 0y² इज इक्वल टू 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। शॉर्टकट का देखो क्या करना होता है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस फाइंड करने के लिए इसे यहाँ जाना है, इसे यहाँ जाना है, और इसका साइन चेंज करना है मतलब प्लस। तो ये हो गया 0x² 4xy प्लस 3y², मतलब देखो हमारा शॉर्टकट यहाँ पे भी क्या हो गया, अप्लाई हो गया। तो देखो मैंने बहुत सारी मेथड्स आपको यहाँ पे बताई, स्लोप एश्यूम करके सॉल्व करना बताया, यानी कि इससे पहले की मेथड, सेपरेट लाइंस फाइंड करके स्लोप फाइंड करो, फिर परपेंडिकुलर लाइंस फाइंड करो, फिर जॉइंट इक्वेशन लो, ये सेकेंड मेथड, एंड शॉर्टकट भी आपको बताया है जो सभी प्रॉब्लम्स को अप्लाई होगा। तो चलो देखो किस तरह से गिवन पेयर ऑफ लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस का जॉइंट इक्वेशन फिर या फिर कंबाइंड इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, थ्योरी बताई, बोर्ड के लिए कैसे सॉल्व करना है ये भी बताया, एंड शॉर्टकट कॉम्पिटिटिव के लिए भी बताया। तो चलो देखो अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलेंगे। हमारा यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है, क्या है वो पॉइंट अच्छे से देखो, देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में,
फाइंड द कंडीशन दैट, आपको क्या करना है, कंडीशन फाइंड करना है। कैसी कंडीशन? अ लाइन 4x प्लस 5y कोइंसाइड, यहाँ पे क्या बोला है, कोइंसाइड विथ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंपल है, इसमें कितने लाइंस है, दो लाइंस है, उसमें से किसी लाइन को, ए लाइन क्या होती है, कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब उसके ऊपर आती है, मतलब दोनों के स्लोप क्या हो गए, सेम। मतलब इसका अगर हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, स्लोप्स का इक्वेशन होता है, दो लाइंस के स्लोप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड किया तो इसका स्लोप इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ए लाइन इसमें से एक लाइन को क्या है, पैरेलल, मतलब स्लोप क्या होगा, सेम। तो चलो देखो अच्छे से, वी हैव, कैसे सॉल्व करेंगे इसे बोर्ड के लिए, वी हैव क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफोर ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, आपको पता है, वाई की जगह पे m पुट करना है एंड x की जगह पे 1 पुट करना है, सो आपको क्या मिलेगा, बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एम प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखो x लाइन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 कोइंसाइड विथ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय स्टार। अच्छे से देखो, तो ये जो लाइन है इसमें किसी एक लाइन को कोइंसाइड होती है, देयरफोर स्लोप इज इक्वल टू, क्या इस लाइन का स्लोप, माइनस एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन वाई कोऑर्डिनेट माइनस 4/5 सेटिस्फाइज इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। अच्छे से देखो क्या है, ए लाइन इसके कोइंसाइड होती है, मतलब ये लाइन इसको पैरेलल है, मतलब इसका स्लोप और इसमें एक लाइन का स्लोप सेम है, मतलब इसका स्लोप इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सो पुट m इज इक्वल टू माइनस 4/5 इन हैश, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, हैश। यहाँ पे पुट किया तो क्या आएगा, b इन टू एम स्क्वेयर मतलब 16/25 प्लस 2h माइनस 4/5 प्लस a ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 16b माइनस 8h इन टू 5, क्योंकि हम 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 25 इज इक्वल टू 0। देयर फोर 16b माइनस 40h प्लस 25a इज इक्वल टू 0। तो अच्छे से देखो, इसके लिए भी हमने क्या देखा था, शॉर्टकट, क्या था शॉर्टकट, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, इसका शॉर्टकट क्या है, अगर पी एक्स प्लस क्यू वाई अगर लाइन है आपकी और ये इसमें से किसी एक कोइंसाइड होती है तो आपको क्या करना है, वाई की जगह पे, अच्छे से देखो, वाई की जगह पे क्या पुट करना है, पी पुट करना है एंड एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, क्यू। तो देखो यहाँ पे पी क्या था, 4, क्यू क्या था, 5, तो एक्स की जगह पे क्यू पुट किया, सो क्या आ गया, 25a। ओके, यहाँ पे क्या था, y की जगह पे p क्या था, 4, तो b की जगह पे क्या आ गया, 16b। तो इसे हम अरेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं, 25a माइनस 40h प्लस 16b इज इक्वल टू 0। h का साइन क्या करना है, चेंज, h का साइन क्या करना है, चेंज, एंड h देखो x की जगह पे क्या पुट किया, 4, 5, 20 into 2, 40 माइनस 40h। तो देखो ये शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया है, एक्स की जगह पे क्या पुट करो, क्यू पुट करो, वाई की जगह पे पी पुट करो एंड एच का साइन क्या हो, प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो, साइन को क्या करना है, चेंज। तो इस तरह से आप किसी भी कोइंसाइड लाइन से शॉर्टकट की कंडीशन फाइंड कर सकते हो। तो ये आ गई शॉर्टकट की कंडीशन। बोर्ड के लिए आपको ऐसा सॉल्व करना होगा, कॉम्पिटेटिव के लिए आप सीधा क्या कर सकते हो, शॉर्टकट का यूज कर सकते हो। तो कब ये यूज करना शॉर्टकट, अगर वन लाइन पेयर ऑफ लाइन में से किसी एक लाइन को इनसाइड होती है तो। तो चलो देखो आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारा, लास्ट प्रॉब्लम है उसे देखेंगे, क्या है, अ लाइन, अच्छे से देखो, अ लाइन 3x प्लस वाई मे बी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय, देखो ये जो पेयर ऑफ लाइन्स है इसमें हमारी लाइन क्या है, किसी एक को परपेंडिकुलर है। तो चलो देखो अच्छे से, वी हैव
वी हैव पेयर ऑफ लाइन्स। चलो क्या है पेयर ऑफ लाइन्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इसे हम क्या बोलेंगे स्टार। देयरफोर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या आएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एम प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, आ गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। नाउ लाइन क्या है, लाइन देखो अच्छे से, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन, वन ऑफ द लाइन इन स्टार। तो चलो देखो इसका स्लोप हम बाइंड कर सकते, देयर फोर स्लोप इज इक्वल टू माइनस एक्स कोऑर्डिनेट 3 अपॉन वाई कोऑर्डिनेट दैट इज 1, मतलब क्या आएगा माइनस 3। तो इस लाइन का स्लोप क्या है माइनस 3, तो इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, देयर फोर स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 3x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो इज, इसका स्लोप क्या है देखो अच्छे से, m इज इक्वल टू ये लाइन और हमारी लाइन क्या है परपेंडिकुलर, इसका स्लोप क्या है माइनस 3, हमारी लाइन का स्लोप हमने क्या लिया m, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो हमारे लाइन का स्लोप क्या होगा इस लाइन के नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव 1 अपॉन माइनस 3, मतलब क्या आएगा 1/3। अच्छे से देखो तो हमारी लाइन का स्लोप क्या आ गया 1/3, हमारी लाइन को ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर, तो डेफिनेटली हमारी जो लाइन है वो इसमें से किसी एक लाइन को क्या होगी पैरेलल। अच्छे देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छे से देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से देखो यहाँ इसमें दो लाइन्स है कुछ इस तरह से, आपके दो लाइन्स होंगी ओरिजिन से पास होने वाली, एंड ये जो लाइन है 3x प्लस वाई ये इसमें से किसी एक को परपेंडिकुलर, चलो कुछ इस तरह से ये परपेंडिकुलर हो गई, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन किसी हमारी इस लाइन को क्या होगी पैरेलल। तो देखो ये दो लाइन्स क्या हो जाएंगी पैरेलल, तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, अगर 3x प्लस वाई इसमें से किसी एक लाइन को परपेंडिकुलर है तो इसका हमने क्या किया स्लोप फाइंड किया, उसका निगेटिव रेसिप्रोकल लिया तो ये आ गया स्लोप। तो ये जो लाइन है ये जो स्लोप है ये किसी इसमें से किसी एक लाइन को पैरेलल लाइन आएगी। अच्छे से देखो क्योंकि 3x प्लस वाई इस लाइन को क्या है परपेंडिकुलर, देखो 3x प्लस वाई इस लाइन को क्या है परपेंडिकुलर, 3x प्लस वाई इस लाइन को भी क्या है परपेंडिकुलर, मतलब ए लाइन और इसमें से एक लाइन, दो लाइन क्या होगी पैरेलल, मतलब ये जो m है ये इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। देयरफोर m इज इक्वल टू 1/3 सेटिस्फाइज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऐसा हमने क्यों लिया, अच्छे से समझो इसे, ये जो 3x प्लस वाई है ये इसमें से एक लाइन को क्या है परपेंडिकुलर है, अब देखो इसमें से एक लाइन को क्या है परपेंडिकुलर, तो फिर इसका स्लोप क्या है माइनस 3, तो इसका इसमें जो लाइन है परपेंडिकुलर जिसे उसका स्लोप क्या होगा 1/3 होगा, मतलब 1/3 इसमें से किसी एक लाइन का क्या है स्लोप, तो 1/3 अगर इसमें से किसी एक लाइन का स्लोप है तो उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन वो क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। देयरफोर हम क्या करेंगे 1/3 की वैल्यू यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करेंगे, सो बी इंटू एम स्क्वायर मतलब 1/9 प्लस 2h 1/3 प्लस ए इज इक्वल टू जीरो थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, सो बी प्लस 2h into 3 plus 9a is equal to 0. Therefore, 9a plus 6h plus b is equal to 0. ये आ गई आपकी lines. तो आपका shortcut यहाँ पे apply नहीं होगा क्योंकि आपका shortcut किसके लिए है? For coincide lines है. लेकिन यहाँ पे 3x plus y is equal to 0 ये जो line है ये coincide नहीं, तो given pair of lines को किसी एक को perpendicular है तो यहाँ पे आप shortcut apply नहीं कर सकते, आपको new shortcut find करना पड़ेगा. If आप interested हो तो आप इसके लिए शॉर्टकट फाइंड कर सकते हो. कैसे शॉर्टकट फाइंड करना है, सिर्फ 3x प्लस वाई की जगह पे क्या लो px प्लस qy इज इक्वल टू जीरो लो, ये आपका इक्वेशन है, परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज करो, इस तरह से जो प्रोसेस है आप शॉर्टकट फाइंड कर सकते हो. अगर किसी ने शॉर्टकट फाइंड किया तो वेरिफिकेशन के लिए आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला क्योंकि कुछ चीज़ें आपको भी करनी होगी. तो चलो देखो इस तरह से सभी टाइप की प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे देखे, तो ये वीडियोस आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अपने चैनल को जो आप सबका चाहता है. थैंक यू वेरी मच.